नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और नई जानकारियों के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे घास के बारे में जिसे लोग हमेशा खरपतवार समझते हैं या हमेशा सड़क के किनारे नदी नालों के पास नजर आता है। बरसात के मौसम में आपने अक्सर कहीं ना कहीं इसे जरूर देखा होगा। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसभरी के बारे में। इसके पत्तियों में कैल्शियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों, किडनी और लीवर की समस्या हो तो आप इसके फलों का सेवन करते हैं तो लाभ मिलता है। हमारे आंखों के लिए रसभरी का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रसभरी में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती है। बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी की समस्या रहती है, तो इसके फल का चूर्ण बनाकर सेवन करने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। सफ़ेद दाग की समस्या हो तो इसके पत्तियों का लेप करने से सफ़ेद दाग में आराम मिलता है। अगर शुगर की समस्या है तो 2 कप पानी में थोड़ी सी रसभरी को डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए। रोज़ाना सुबह इस पानी का सेवन करने से शुगर की समस्या में लाभ होता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है या उनमें दर्द रहता है तो रोज़ाना रसभरी का सेवन करें। इसमें मौजूद प्रैक्टिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को सही बनाए रखता है, जिसके चलते आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती है। सूजन की समस्या हो, हाथों पैरों में सूजन हो तो इसके पत्तियों को पीस करके लेप लगाने से आराम मिलता है। इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है व सुचारू रूप से कार्य करता है, भूख को भी बढ़ाता है। बवासीर की समस्या हो तो दूर कर देता है। किडनी और लीवर की समस्या हो तो इसके फलों का सेवन करना व पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से किडनी और लीवर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।